एक बार फिर से आप सभी का टेक्नोराइज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बलास्ट की जो क्या रिक्वायरमेंट है, जो ट्रैक पे हम बलास्ट डालते हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, आज हम जरा उसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को दोस्तों पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। दोस्तों तो एक एक करके हम लोग एक एक पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, एक जो आइडियल रिक्वायरमेंट है ब्लास्ट हमारे किस तरीके से होनी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या, एक एक चीज को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है ब्लास्ट जो मेरे ट्रैक की होती है, दोस्तों जिसको हम हिंदी में गिट्टी कहते हैं, ट्रैक की जो ब्लास्ट होती है, सबसे पहले तो उसे टफ होना चाहिए यानी मजबूत होना चाहिए। अंडर द लोड वो जो है क्रश नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ क्योंकि हम बहुत सारी ब्लास्ट एक साथ डालते हैं तो उनके बीच में आपस में घर्षण होता है, तो उनके अंदर वियर होता है, तो वो वियर रेजिस्टेंट होनी चाहिए। वियर एंड टेयर उसके अंदर ज्यादा होना नहीं चाहिए। आगे इसकी वैल्यूज के बारे में भी बात होगी, हम अगले पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ब्लास्ट हमारी हार्ड होनी चाहिए। इट शुड बी हार्ड विदाउट गेटिंग क्रश्ड अंडर मूविंग लोड। जब गाड़ियां पास होती है तो इतना हार्ड होना चाहिए कि लोड की वजह से, जो मूविंग लोड जो गाड़ी के पास होता है उससे वो क्रश नहीं हो जाने दी, तो इतनी हार्ड होनी चाहिए कि मूविंग लोड में वो क्रश नहीं होनी चाहिए। आगे अगर बात करेंगे उसके शेप की, अगर हम बात करेंगे तो उसका शेप कैसा होना चाहिए। दोस्तों, उसका शेप जो है एंगुलर होना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, बलास्ट जो है या तो एंगुलर यानी कि क्यूबिकल शेप की हो सकती है या फिर राउंड हो सकती है। अगर राउंड ब्लास्ट हमारी होगी दोस्तों, अगर ब्लास्ट हमारी राउंड होगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी, पहले हम उसके बारे में समझ के चलते हैं। मान के चलो दोस्तों, ये मेरी स्लीपर है और इसके नीचे मैंने कुछ ब्लास्ट डाल रखी है। इसके नीचे मैं कुछ ब्लास्ट डाल देता हूँ, थोड़ा अगर मैंने इसको राउंड शेप बना के मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर ब्लास्ट राउंड होगी तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर देखिए आप इसका शेप जो देख रहे हैं, अगर ब्लास्ट हमारी राउंडेड होती है, खास करके जो नदियों के पास जैसे जो आपको स्टोन्स मिलते हैं वो जो है राउंड होते हैं, पेबल्स जिसे हम कहते हैं, तो वो हम लोग ट्रैक पे यूज नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या आएगी, आप यहाँ देखें कि जो है राउंडेड अगर ब्लास्ट होगी, जब लोड आएगा तो क्या हो जाएगा कि इसका जो है बिकॉज ऑफ इट्स शेप देर आर चांसेस कि ब्लास्ट जो है ये राउंड राउंड जो पेबल्स है ये वहां से सरक जाएंगे और स्लीपर के नीचे प्रॉपर पैकिंग नहीं देंगे। इस वजह से हमें राउंडेड ब्लास्ट नहीं यूज करना, हमें राउंडेड ब्लास्ट नहीं यूज करना। तो हम यूज क्या करेंगे, फिर अब वो समझ लेते हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे, हम जो है एंगुलर ब्लास्ट, क्यूबिकल ब्लास्ट उनको यूज करेंगे, सो दैट जिसके अंदर शार्प एजेस, क्या लिखा है, जनरली क्यूबिकल हैविंग शार्प एजेस, सो दैट इनके बीच में आपस में इंटरलॉकिंग हो जाए, ऐसे बलास्ट को हम यूज करेंगे हमारे ट्रैक में। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से अब जो ये स्लाइड होने की जो इसकी टेंडेंसी थी, ये स्लाइड होने इसे नहीं देगा और हमारी पैकिंग जो है अच्छी तरह से यहाँ पे रिटेन होगी। इस वजह से हमारी बलास्ट किस तरीके की होनी चाहिए, इट शुड बी क्यूबिकल इन नेचर विथ शार्प एजेस, ताकि इनके अंदर आपस में ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट बना रहे, इनके बीच में आपस में इंटरलॉकिंग हो जाए। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी ब्लास्ट की दूसरी रिक्वायरमेंट। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं, ब्लास्ट कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी नॉन पोरस एंड नॉन एब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर। दोस्तों, जो हमारी ब्लास्ट है इसके अंदर जो है पोर्स नहीं होने चाहिए, उसके अंदर छेद वगैरह नहीं होने चाहिए, इट शुड नॉट बी पोरस। जैसे एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ पोरस मटेरियल के बारे में, जैसे हमारी ब्रिक होती है, ईंट हमारी होती है, तो इट इज पोरस इन नेचर। अब ब्रिक के बारे में आप देखें कि ब्रिक को जब आप पानी में डालते हैं या जब वो भीग जाती है तो क्या हो जाती है, वो वीक हो जाती है, और वीक हो जाती है उसका वेट तो बढ़ जाता है, वाटर है तो आप कहें, बट वो वीक हो जाती है। इट इज इजी टू ब्रेक वेट ब्रिक, जो ब्रिक अगर गीली होगी तो उसको तोड़ना आसान है एज कम्पेयर टू द ड्रायर वंस। तो ऐसे ही हमारी ब्लास्ट जो है, ब्लास्ट के अंदर भी पोर्स नहीं होने चाहिए, उसके अंदर छेद वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर पोरस मटेरियल का स्टोन होगा तो क्या होगा, वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो वो वीक हो जाएगी, वो जल्दी जो है टूट जाएगी। और साथ ही साथ वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर हम लोग देखें, वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू अगर जो इसके पोर्स हैं, पोर्स के अंदर समझे मान के चले आप लोग मॉइस्चर है, मॉइस्चर उसके अंदर भर गया और उसके बाद में फिर क्या होगा, मान के चलो अगर ठंडी का मौसम है, कोई ऐसी प्लेस है जहाँ पे जो है
टेम्परेचर जो है बहुत ही ज्यादा डिप होता है, तो वहां पे जहाँ पे आइस वगैरह मतलब बर्फ जमती है, ऐसी जगह पे क्या होगा कि आपकी जो ब्लास्ट के अंदर सपोज अगर पोर्स हैं, तो वो पोर्स के अंदर जो है वाटर जाके फ्रीज हो जाएगा। जो वाटर उसके अंदर जाके फ्रीज हो जाएगा तो प्रॉब्लम ये होगी कि जब वाटर जो है, आपको पता है ना बर्फ की खासियत क्या है, बर्फ की खासियत क्या है कि जब वो कूल होता है, जब वो आइस फॉर्म में वाटर जाता है, जब आइस बनता है, तो इट ट्राइज टू एक्सपांड। जब ये एक्सपांड होगा तो व्हाट इट विल डू, इट विल ट्राई टू क्रैक माय बलास्ट, जो है ना उसको क्या करेगा, एक्सपांड होने की कोशिश करेगा, और उस प्रोसेस में क्या करेगा कि बलास्ट जो है हमारी उसको स्प्लिट कर देगा, तो हमारी बलास्ट क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। इस वजह से हमें कैसी बलास्ट चाहिए, तो बलास्ट शुड बी नॉन पोरस एंड नॉन एब्जॉर्बेंट वन। नेक्स्ट क्या है, इट शुड रेजिस्ट अट्रिशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय अट्रिशन, व्हाट इज मीन बाय अट्रिशन, अट्रिशन किसे कहते हैं, आपस में जो वियर एंड टेयर होता है, आपस में घिसने की वजह से जो आपस में जो वियर एंड टेयर होता है, जो सरफेस पे बलास्ट जो है उसको भी रेजिस्ट करने वाली होनी चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कि जो बलास्ट आपस में जो है रगड़ रही है, उस रगड़े की वजह से, आपस में फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, हमारी जो बलास्ट की जो है शेप वो जो है वीक हो जाएगी, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, वो ब्लास्ट हमारी जो है इसके एजेस स्मूथ वगैरह हो जाएंगे, फिर पैकिंग वगैरह रिटेन नहीं कर पाएगी, तो वो इट शुड बी अट्रिशन रेजिस्टेंट। नेक्स्ट आते हैं, इट शुड बी ड्यूरेबल एंड शुड नॉट गेट पल्वराइज अंडर वेदर कंडीशन। पहली बात तो ड्यूरेबिलिटी की बात, मतलब लॉन्ग रन में जो है ये जो है सस्टेन करनी चाहिए। ड्यूरेबल का मतलब लॉन्ग रन में सस्टेन करने वाली होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो थोड़े दिन सर्विस में रहने के बाद में वो बेकार हो जाए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। अब उसको यहाँ पे वो पल्वराइजेशन से कंपेयर कर रहा है, क्या कह रहे हैं, शुड नॉट गेट पल्वराइज, शुड नॉट गेट पल्वराइज, इट शुड नॉट गेट पल्वराइज। पल्वराइजेशन मतलब कि बारीक बारीक हो जाना, छोटे छोटे पीसेस हो जाना, पाउडर फॉर्म में चला जाना, तो ब्लास्ट हमारी ड्यूरेबल होनी चाहिए और इट शुड नॉट गेट पल्वराइज अंडर वेदर कंडीशन। एक तो होता है कि मूविंग लोड की बात हो रही थी, देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हार्ड विदाउट गेटिंग क्रश्ड अंडर मूविंग लोड, तो एक तो था कि लोड की वजह से इतनी हार्ड इनफ होनी चाहिए कि लोड आने की वजह से वो टूट के क्रश नहीं होनी चाहिए, और यहाँ क्या कह रहा है, वेदर के बारे में कह रहा है, इट शुड बी ड्यूरेबल एंड शुड नॉट गेट पल्वराइज अंडर वेदर कंडीशन, यानी कि मौसम के बदलने की वजह से ठंडी गर्मी ऐसा एक्सट्रीम्स जो वेदर जो हमारे जो चेंजेस होते हैं, तो हमारी ब्लास्ट जो है उसको जो है बियर करने वाली होनी चाहिए, उसमें वो ब्रेक क्रैक नहीं होनी चाहिए, टूटी नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताया वाटर एब्जॉर्प्शन का, जैसे मैंने आपको बताया कि समझो ये पोरस थी तो उसके अंदर वाटर था, अब वो फ्रीज हो गया, फ्रीज होने की वजह से वो जो आइस जो है आइस फॉर्म में चला गया पानी, तो वो जो वो क्या करेगा, इट विल एग्जर्ट प्रेशर ऑन द रॉक, स्टोन के ऊपर जो ब्लास्ट के अंदर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, अब क्या होगा वो टूट जाएगी। इसी तरीके की जो यहाँ से भी जो इसकी जो इंटरस्टाइसेस है, जो ब्लास्ट के बीच में आइस वगैरह आ गई, अब ये भी जो है एक्सपांड होने की कोशिश करेगी ये स्पेसेस, तो हमारी ब्लास्ट इतनी वीक नहीं होनी चाहिए कि वो जो है एटमोस्फेरिक वेदर की कंडीशन की वजह से जो है पल्वराइज हो जाए या टुकड़े टुकड़े छोटे 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 पीसेस हो जाए, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड अलाउ ड्रेनेज ऑफ वाटर, इट शुड अलाउ गुड ड्रेनेज ऑफ वाटर, इनफैक्ट हम बोलना चाहिए कि जो है पानी का जो ड्रेनेज है, देखिए हम ब्लास्ट देते क्यों हैं, पहले तो दोस्तों अपने को ये पता होना कि हम ब्लास्ट देते क्यों हैं। हम जो है स्लीपर और फॉर्मेशन के बीच में, स्लीपर और फॉर्मेशन के बीच में हम एक लेयर बना देते हैं, स्लीपर और फॉर्मेशन के बीच में हम एक लेयर बना देते हैं, और ये जो लेयर हमारी क्या करती है, ये जिसे हम कहते हैं ब्लास्ट है, ये क्या करती है, ये इलास्टिक मीडियम का काम करती है, ट्रैक में इलास्टिक मीडियम का ये काम करती है। जब ये इलास्टिक मीडियम का काम करती है तो इसको साथ ही साथ में इलास्टिक मीडियम के साथ में जो बारिश वगैरह का जब टाइम होता है, जब पानी आता है कहीं से, अगर वाटर का सोर्स उसको मिल जाता है, तो व्हाट शुड हैपन, ये जो है पानी को अपने इंटरस्टाइसिस में से आसानी से पास कर देना चाहिए, उसको वहां पे लॉग इन होने नहीं देना चाहिए। जैसे तुम्हें देख रहे हैं आप यहाँ पे, इस तरीके से पानी को जो है निकल के चला जाना चाहिए आउट ऑफ द ट्रैक, ट्रैक में रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी अगर ट्रैक पे रुका रहेगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे सारी की सारी बीमारी, सारी जो प्रॉब्लम्स आनी चालू हो जाएगी, तो वो पानी को जो है अच्छा ड्रेन करने वाला होना चाहिए। दैट मीन्स वो ब्लास्ट की जो ग्रेडेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसके अंदर पानी ठहरना नहीं चाहिए, आसानी से वाटर जो भी आएगा वो ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। एंड लास्ट वन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, इट शुड बी इकोनॉमिकल इन कॉस्ट।
देखिए हमने यहाँ पे इतने सारे रिक्वायरमेंट्स पढ़े, टफ होना चाहिए, वियर रेजिस्टेंट होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, मूविंग लोड में जो है वो क्रश भी नहीं होना चाहिए, शेप के बारे में भी हमने बात किया कि क्यूबिकल होनी चाहिए विद शार्प एजेस, जिसको हम एंगुलर भी कहते हैं, ये भी हमने कही थी कि नॉन पोरस होनी चाहिए, नॉन एब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर होनी चाहिए, अट्रिशन नहीं होना चाहिए, पल्वराइज नहीं होनी चाहिए अंडर वेदर कंडीशन, वाटर का ड्रेनेज भी अच्छा, लेकिन फाइनली वट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज नथिंग बट इट शुड बी इकोनॉमिकल इन कॉस्ट। क्यों इकोनॉमिकल होनी चाहिए? इकोनॉमिकल अगर नहीं होगी तो हमारे लिए जो जो है ब्लास्ट को ले करना मुश्किल हो जाएगा जो है, तो हमें क्या करना है, हमको लोकली अवेलेबल जो है ब्लास्ट, हमारे जो लोकली अवेलेबल जो क्वारी होगी उसमें हमने देखना है कि इसमें से मैक्सिमम क्राइटेरिया वो फुलफिल करती होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको ये सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं फिर आपको बहुत दूर से ट्रांसपोर्ट करके लाना होगा तो इट विल बिकम अन इकोनॉमिकल। सो व्हाट वी विल डू, जो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए हमारे पास जो भी लोकली अवेलेबल जो क्वारीज होगी वहां पे हम जाके देखेंगे कि ये कहाँ का जो है रॉक है, जो है कौन सी क्वारी में जो ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, इन सब चीजों को हमें देखना होगा। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट वीडियो में जो है दोस्तों हम इसके आगे पढ़ेंगे कि हमारे जो ब्लास्ट का जो है क्या स्पेसिफिकेशन है, उसके साइजेस क्या होने चाहिए, क्या ग्रेडेशन होना चाहिए, क्या परसेंटेज होना चाहिए अलग अलग साइजेस का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में जो उसकी जो क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे रिक्वायरमेंट तो दे दिया, यहाँ पे हमने बहुत सारे रिक्वायरमेंट दे दिए कि ब्लास्ट इस तरीके से होनी चाहिए, लेकिन उसको जो क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या रेंजेस दिए, कौन कौन से हम टेस्ट करके अश्योर करेंगे हम लोग कि ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। जिस तरीके से हम लोग जो अट्रिशन की बात करते तो हम जो है लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू जो होती है, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, वो टेस्ट करते हैं हम लोग। के बाद में इम्पैक्ट में, जैसे हमने यहाँ पे बात किया हार्ड होने चाहिए विदाउट गेटिंग क्रश अंडर मूविंग लोड, तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट एक होती है, हम उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, टेस्ट किस तरीके से होती है। साथ ही साथ में फिर बाद में यहाँ पे बात यहाँ भी ये भी हो रही है कि जो है इट शुड बी नॉन पोरस एंड नॉन एब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर। तो मैंने जैसे आपको कहा कि इकोनॉमिकल होनी चाहिए, तो आइडियल कंडीशन तो हमें फुलफिल तो हम नहीं कर पाएंगे, तो हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, IRPWM कहता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करना चाहिए, इसके बारे में वाटर एब्जॉर्प्शन कितना परसेंट तक एब्जॉर्ब करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग सभी लोग इस चैनल को जो है दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें और वीडियो को जो है पूरी तरह से देखें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, सो दैट जो है मुझे और मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो और बनाने के लिए।